Hello students, today we are going to read few more sentences which will include new words. आज हम कुछ नए sentences read करेंगे जिसमें और भी नए नए words include होंगे. हम और भी नए words read करना सीखेंगे, ठीक है. उसके पहले आप मेरे previous videos भी देखे होंगे क्योंकि उसमें बिल्कुल short and easy words होते हैं. अगर वो reading करना आ गए तो ये भी थोड़ा easy हो जाएगा. Now let's begin to read the sentences. The rat is in the box. THE ka sound hoga the. R-A-T, rat. The rat is in the 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 rat is in the box. The rat is in the box. यानी कि rat box के अंदर है. Again we will read the sentence. The rat is in the box. Next, the boy is under a tree. THE the boy boy is UNDER 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 a TREE 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 double E है इसलिए long E sound होगा TREE 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 tree. The boy is under a tree. Again we will read the sentence. The boy is under a tree. यानी कि boy tree के नीचे, under मतलब नीचे है. Okay, now next. The door is open. The 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 door DOOR door. The door IS open OPEN open. Open is a sight word. The door is open. मतलब door यानी कि दरवाज़ा. Open यानी कि खुला. मतलब दरवाज़ा खुला है, ओपन है. अगेन वी विल रीड द सेंटेंस. द डोर इज ओपन. नेक्स्ट, शी हैज अ ब्यूटिफुल ड्रेस. शी इज यूज्ड फॉर अ गर्ल. SHE she has 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 a beautiful BEAUTI BEAUTIFUL full beautiful. कोई बड़ा वर्ड हो तो हम उसे पार्ट करके इसे रीड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड है dress. Dress 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 dress. She has a beautiful dress. मतलब
ये जो गर्ल है उसके पास बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल यानी कि खूबसूरत ड्रेस है. अगेन वी विल रीड द सेंटेंस. शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस. नेक्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. ब्र अ श ब्रश. ब्र अ श ब्रश. बी आर यू एस एच ब्रश. योर वाई ओ यू आर योर टीथ ट ई थ टीथ टी डबल ई टी एच टीथ. ब्रश योर टीथ ट्वाइस ट व ट्वा. यहाँ पे मैजिक ई है इसलिए आई का साउंड आई ही रहेगा. ट्व आई और सी के बाद ई है इसलिए सी का साउंड क नहीं स हो जाएगा. ट्वाइस अ ड ए डे अ डे. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे मतलब हमें पूरे दिन में दो बार हमारे ब्रश हमारे टीथ ब्रश करने चाहिए. ब्रश योर टीथ यानी कि हमें हमारे टीथ ब्रश करने चाहिए ट्वाइस यानी कि दो बार. अ डे यानी कि एक दिन में दो बार हमें हमारे टीथ ब्रश करने चाहिए. अगेन वी विल रीड द सेंटेंस. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. सो हियर वी हैव रेड ऑल द सेंटेंसेस. नाउ यू हैव टू रीड दो सेंटेंस डेली फॉर अ वंस और अ ट्वाइस. मतलब आपको दिन में एक या दो बार ये सारे सेंटेंसेस रीड करने हैं. देन एंड ओनली यू विल गेट द प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग. तो ही आप अच्छे से रीड कर पाओगे. ओके सो आपको अच्छे से ये रीड करने हैं सेंटेंस और प्रैक्टिस करते रहना है. नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप रीडिंग स्टे हेल्दी एंड बाय. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड फ्यू मोर सेंटेंसेस व्हिच विल इंक्लूड न्यू वर्ड्स. आज हम कुछ नए सेंटेंसेस रीड करेंगे जिसमें और भी नए नए